रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज आपके लिए बहुत ही उम्दा नायाब वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम का वजीफ़ा है, और ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है, उन औरतों के लिए है जो घर के अंदर झाड़ू देती हैं, या उन मर्दों के लिए जो ऑफिस में झाड़ू देते हैं, अपने दुकान में झाड़ू देते हैं, या अल्लाह के घर मस्जिद में झाड़ू देते हैं। तो अल्लाह के इन नामों की ये तस्बीह एक बार पढ़ो, बड़ी सी बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ा गम, बड़ी सी बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की ये तस्बीह है, दौलत संभाली नहीं जाएगी और आपके घर से रिज़क में कभी कमी नहीं होगी। चेहरे पर नूर होगा, शोहर लड़ता है और खर्चा नहीं देता, तो ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह शोहर आपके हाथ में आ जाएगा। और अल्लाह के नामों का वजीफ़ा ऐसा अमल है कि रिश्तेदार भी बार बार कॉल करके आपको पूछें कि आप कौन सा ऐसा अमल कर रहे हो जिस अमल की वजह से आपके घर में इतनी फरवानी और प्यार और मोहब्बत है। यकीन मानिए, यह अमल शैतान आपको करने नहीं देगा। और ये एक ऐसा अमल है कि इस अमल के ज़रिए से जब आप घर के अंदर या मस्जिद में या जिस जगह भी आप झाड़ू दे रहे हैं, तो उस वक़्त झाड़ू आपने बाएं हाथ में देना है और दाएं हाथ से ये तस्बीह करनी है। या अगर आप झाड़ू नहीं दे रहे तो अल्लाह के घर मस्जिद में बैठकर आपने ये तस्बीह करनी है। तस्बीह पकड़कर ये अल्फाज पढ़ लें और इसके घर में इतनी रिजक और दौलत आ जाएगी कि आपके घर में दौलत का सैलाब आ जाएगा। तो माज़ ख़वातीन हज़रात, वो क्या है? वो ये है कि तीन बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है और फिर उसके बाद या अल्लाहु या बासितो, या अल्लाहु या बासितो, ये आपने पढ़ना है और इसकी एक तस्बीह पूरी कर देनी है। तो इंशाल्लाह झाड़ू देते वक्त अगर औरत पड़ेगी तो उसके घर में से दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके साथ एक बड़े अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं कि झाड़ू को घर में सामने ना रखें, किचन में ना रखें, बेडरूम में ना रखें, बल्कि ऐसी जगह में रखें जहाँ पे झाड़ू नज़र ना आए। तो इंशाल्लाह आपके घर से दौलत कभी ख़त्म नहीं होगी, परेशानी कभी आपके करीब नहीं आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वजीफे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।